हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट मैगनेट मैं हूँ सलोनी राजपूत आपकी मैथ्स एक्सपर्ट और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी मोर मैचिस्टिक बिलोंग करता है आपके क्लास सिक्स मैथ्स के चैप्टर एल से सो मोर मैचिस्टिक पैटर्न जैसे हमें टॉपिक के नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ और पैटर्न के बारे में हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में और ये जो पैटर्न्स हैं वो कैसे बनने वाले हैं कुछ मैच स्टिक से यानी कि मैचिस की तीलियों से राइट सो so, इसको मैं शुरू करूं उससे पहले बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी कि सबका रिवीजन बराबर चल रहा है या नहीं सो so, जो बच्चे रिवीजन करके आए हैं उनको पता होगा कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस वीडियो क्लास में मैं आपको पढ़ा रही थी टॉपिक का नाम थी था आइडिया ऑफ अ वेरिएबल यानी कि वेरिएबल क्या होता है किसे हम बोलते हैं वेरिएबल उसके बारे में हम समझ रहे थे और वो हम कैसे समझ रहे थे उससे पहले जो हमने पढ़ा था एक मैच स्टिक पैटर्न जिसमें अमीना और सरिता ने मैच स्टिक की हेल्प से कुछ इस तरीके के एल शेप के क्या बनाए थे पैटर्न्स बनाए थे सो इन पैटर्न की हेल्प से हमने क्या समझा वेरिएबल के बारे में पर वेरिएबल के बारे में फिर भी उतना अच्छा नहीं मिल पाया तो हमसे बोला गया था वी शैल लुक एट अनादर एग्जाम्पल ऑफ मैच टू लर्न मोर अबाउट वेरिएबल्स यानी कि हमको कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में बिल्कुल देखना चाहिए अगर हमको वेरिएबल के बारे में और मालूम करना है अभी तक हमें वेरिएबल के बारे में क्या समझ आया था बताइए जरा वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दट कैन वेरी दैट इज चेंज वेरिएबल हम उसी चीज को बोलेंगे जो वेरी हो रही हो चेंज हो रही हो बदल रही हो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट फिक्सड इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज और जो वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या है फिक्स नहीं होती वो अलग अलग जो है वैल्यूज ले सकती है क्लियर हुई आपके को कहानी कि जो वर्ड है हमारे पास वेरिएबल उसका मतलब होता है समथिंग दैट कैन वेरी जो चेंज हो सकती है और उसकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं है क्योंकि वो चेंज हो रही है यानी कि वो उसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं हो सकती अलग अलग वैल्यूज तो उसकी जगह आएंगी जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में एन किस को कहा था एन कहा था हमने नंबर ऑफ एल्स को एक एल बनाना है तो एन की वैल्यू वन बोली एन की वैल्यू टू बोली इसका मतलब दो एल की डिज़ाइन बननी है एन की वैल्यू थ्री बोली इसका मतलब तीन एल की डिज़ाइन बननी है तो ऐसे जितनी भी एल बनाना है वो उतना नंबर हमारा क्या हो जाएगा एन की वैल्यू हो जाएगी तो एन की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं है कभी वन कभी टू कभी थ्री एंड सो ऑन ऐसे ही चेंज हो रही है इंक्रीज हो रही है हमने देखा सो so, को हमने क्या बोल दिया कि एन एक वेरिएबल है अभी तक हमने इतना समझा है वेरिएबल के बारे में क्या आपको भी यहाँ तक सब कुछ क्लियर है अब क्लियर है अगर तो थोड़ा सा और अपन आगे चलते हैं सब मोर मैच पैटर्न अपन देखते हैं यहाँ पे वही अमीना और सरिता फिर से क्या कर रही अब एक और पैटर्न बना रही हैं मैचस्टिक से सो so, अमीना एंड सरिता है अब अमीना और सरिता को बहुत इंटरेस्ट आने लगा मैच स्टिक से अलग अलग पैटर्न बनाने में दे नाउ वॉन्ट टू ट्राई अ पैटर्न ऑफ द लेटर सी अब उन लोगों को कैसा पैटर्न बनाना है सी लेटर का इसके पहले जो उन्होंने पैटर्न बनाया था वो कैसा था एल लेटर का था है ना एक एल बनाती थी इसमें दो स्टिक यूज़ हो जाती थी उनकी फिर दूसरे एल दो एल ऐसे कर देती थी तीन एल बनाने के लिए कुछ इस तरीके से चार एल के लिए कुछ इस तरीके से है ना, और वहां उन्होंने एक रूल देखा था कि जितने भी नंबर ऑफ एल्स यहाँ पे बन रहे हैं वो काय के बराबर है मतलब उसमें कितनी मैच स्टिक्स यूज हो रही हैं सो so, वहाँ पे देखा था इन्होंने कि नंबर ऑफ मैच स्टिक यूज्ड नंबर ऑफ मैचेस्टिक्स यूज्ड काहे के बराबर आ रही थी 2n के बराबर जहाँ पे n क्या था नंबर ऑफ l के जितने l बन रहे हैं उसका डबल कर दो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसके ये बराबर क्या होंगी उसमें मैचेस्टिक यूज हुई है जैसे कि यहाँ चार l बने हैं यानी n की वैल्यू 4 है तो 4 2 करो 8 इसका मतलब कितनी मैचेस्टिक यूज हुई है चार l बनाने के लिए 8 मैचेस्टिक्स यूज हुई हैं यकीन नहीं आता तो काउंट करके देख लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स करके यहाँ पे चार एल के पैटर्न बन गए थे अब इसी तरीके से उनको इस एल शेप की जगह क्या शेप बनाना है अब ये सी शेप बनाना है तो अब सी शेप आप कहोगे गए मैम ये से कैसे बनेगा ये तो कर्व्ड है तो वो कर्व ना करके कैसा बना रही है वो ऐसा ना करके कुछ इस तरीके से शीशे बना रहे हैं जिसमें ये एक मैचस्टिक ये दूसरी मैचेस्टिक और ये तीसरी इस तरीके से तीन मैचस्टिक को अरेंज करके ये लोग क्या कर रहे हैं अब जो अल्फाबेट का लेटर सी है उसका पैटर्न क्रिएट कर रही हैं। दे आट टू ट्राई अ पैटर्न ऑफ लेटर सी टू मेक वन सी देख एक कैसे वन टू थ्री इस तरीके से तीन मैच स्टिक को अरेन्ज करके वो एक लेटर सी बना रही हैं फिर उन्होंने क्या किया देखो दूसरी पिक्चर में ये जो पहले वाला एक लेटर सी था इसके आगे एक और सी बना दिया तो अब ये दो सी के पैटर्न हो गए अब तीसरे में उन्होंने क्या किया देखो एक पहले से था ये दूसरा सी और ये तीसरा सी तीन सी बना दिए फिर एक सी दूसरा सी तीसरा सी चौथा सी चार सी बना दिया यानी कि अभी भी वो हर बार क्या कर रही है एक एक सी इंक्रीज कर रही है पहले सिर्फ एक सी था फिर दो सी हुए फिर तीन सी फिर चार सी इसके आगे क्या आएंगे पांच एक और सी बढ़ जाएगा तो फाइव हो जाएंगे टोटल फिर सिक्स हो जाएंगे सेवन हो जाएंगे तो इससे हमें क्या पता लग रहा है देखिए क्या इससे भी हम वही टेबल बना सकते हैं जो हमने पहले बनाई थी यहां जब एक सी था तो कितनी मैचिस्टिक यूज हो रही थी थ्री अब ये दो सी हो गए एक और एक टोटल दो सी तो दो के लिए कितनी मैच यूज हो रही है दो के लिए देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छह मैच यूज हो रही हैं अब यहाँ देखो वन 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 तीन टोटल थ्री सी हो गए हैं इसके लिए कितनी मैच यूज हो रही है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तीन सी के लिए नाइन मैच यूज हो रही हैं यहाँ पे कितने हो गए वन टू थ्री फोर चार सी हो गए टोटल तो चार पैटर्न लगातार बनाने के लिए कितनी स्टिक यूज हुई थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व टोटल ट्वेल्व मैच स्टिक्स क्या हुई यूज हुई हैं सो थ्री सिक्स नाइन एंड ट्वेल्व इस तरीके से स्टिक्स का क्या किया गया है यूज किया गया है अब देखो क्या इसमें आप कोई रूल बना सकते हो एक जनरल रूल कि अगर मैं पूछूं आपसे कि मुझे अगर लगातार हंड्रेड सी चाहिए तो उसमें कितनी मैचेस्टिक मेरे को यूज करनी होगी तो देखो इसको रूल को पहचानने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि एक था तो थ्री हुई दो थे तो सिक्स हुई तीन थे तो नाइन हुई चार थे तो ट्वेल्व हुई क्या हो रहा है वन का मल्टीप्लाई अगर मैं थ्री में कर रही हूं तो थ्री मिल रहा है टू का मल्टीप्लाई अगर थ्री में करूंगी तो सिक्स मिलेगा थ्री का मल्टीप्लाई अगर थ्री में करती हूँ तो नाइन मिलेगा और फोर का मल्टीप्लाई अगर थ्री में करती हूँ तो मिलेगा मुझे ट्वेल्व यानी कि यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ सी हैं उसमें अगर मैं थ्री का मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है नंबर ऑफ मैचिस्टिक्स यूज यानी कि नंबर ऑफ मैचिस्टिक्स कितनी मैचिस की सी यूज हो रही हैं उसका आंसर कैसे मिलेगा अगर हम नंबर ऑफ सी जितने सी बन रहे हैं उसका थ्री टाइम्स कर दें एक सी था उसका थ्री टाइम्स करा थ्री इंटू वन थ्री आंसर आ गया तीन मैच यूज हुई है एक सी बनाने में दो सी बनाए दो सी के शेप बनाए हमने दो सी के शेप बनाए तो टू का थ्री टाइम्स करोड़ टू इंटू थ्री सिक्स मिला दैट मीन्स छ मैच यूज हुई है दो सी बनाने में तो यहां से मुझे एक रूल मिल गया वो रूल क्या है वो रूल कह रहा है मे को देखो यहां से हमने रूल बनाया जैसे पिछली बार एल शेप के लिए रूल बनाया था इस बार हम सी शेप के लिए बना रहे हैं रूल कह रहा है कि अगर आपको चाहिए नंबर ऑफ मैच स्टिक्स यूज अगर आपको क्या चाहिए कि कितनी मैच स्टिक यूज हुई है तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए जरा नंबर ऑफ यूज के लिए आपको पता करना है कि जितने भी सी हैं उसका थ्री टाइम्स कर दो तो अगर मैं मैं क्या मान लू? अगर मैं मान अगर कि लेट नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू एन मैंने मान लिया कि जितने भी सी हैं उनका नंबर एन के बराबर है तो यहां पे मैं क्या कर सकती हूँ थ्री एन यानी कि कितनी मैजिस्टिक हमको चाहिए पड़ेंगी तो वो हमें कैसे पता चलेंगी जितने आपको सी पैटर्न बनाने हैं उसमें आप थ्री का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको नंबर उस उस पैटर्न्स को बनाने में कितनी मैजिस्टिक यूज होंगे वो पता चल जाएगा यहां से ही निकाल लो यहाँ पे कितने सी बने थे वन टू थ्री फोर फोर सी बने थे यानी कि एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे फोर है तो अगर मैं थ्री का मल्टीप्लाई फोर में करती हूँ तो कितना मिलेगा ट्वेल्व इसका मतलब कितनी मैच स्टिक्स कितनी मैचेस की सीख यूज हुई है ट्वेल्व मैच स्टिक यूज होंगी तब जाके आप फोर सी के पैटर्न जो है वो बनाओगे देख लो बारह मैच स्टिक सही है कि नहीं ये देखे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व यानी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है तो इस तरीके से अगर कोई मुझसे पूछता है कि ऐसा कर बताओ हमको क्या हमको बनाने हैं इस टाइप के पैटर्न कोई बहुत बड़ी शीट पर तो हंड्रेड सी लग जाएंगे एक के बाद एक हम हंड्रेड सी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कितनी मैचस्टिक लेकर रखें तो देखो हंड्रेड सी बनाना है, है यानी कि एन की वैल्यू हंड्रेड हो गई तो 100 का थ्री टाइम्स करो कितना मिला 300 तो यानी कि 300 हंड्रेड चाहिए पड़ेंगी अगर आपको 100 ऐसे C बनाने हैं एक एक के बाद एक. प्यार हुई कहानी तो ये एक और तरीका हो गया जिसमें हमने एक और पैटर्न देखा जिससे एक अलग रूल आया पिछले बार जब एल बना रहे थे तो वहां क्या रूल था टू है ना कितनी मैचस्टिक यूज हो रही थी टू एन के बराबर जहां एन नंबर ऑफ एल था नंबर ऑफ़ है, तो यहाँ 3N, क्योंकि एक सी बनाने के लिए तीन स्टिक यूज हो रही हैं, तो आपको जितने सी बनाना है उसका थ्री टाइम्स कर दो थ्री का मल्टीप्लाई तो आपको कितनी स्टिक यूज होंगी उसको बनाने में ये आंसर मिल जाएगा इतनी बात समझ आई सबको आगे बढ़ो अब आगे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट यहाँ पे उसी की रूल के ऊपर हम टेबल बना सकते हैं एक टेबल गिव्स द नंबर ऑफ मैचिक रिक्वायर्ड टू मेक अ पैटर्न ऑफ सीज कि आपको कितनी चाहिए, कितनी टू मेक ऑफ सीज अगर आप सी से कुछ पैटर्न बनाना चाह रहे हो तो देखिए नंबर ऑफ सी फॉर्म इस टेबल में पहले यहां पे क्या लिखा है नंबर ऑफ सीज फॉर्म कितने सी बन रहे हैं एक सी तो नंबर वन हो गया दो सी तो टू हो गया तीन सी बनाओगे तो थ्री हो गया ऐसे तो ये है, या कि कितनी मैचिस्टिक चाहिए देखो जरा वन टू थ्री तो यहाँ पे लिखा है थ्री दो सी बनाने के लिए सिक्स मैचिस्टिक इसी तरीके से तीन सी बनाने के लिए नाइन मैचिस्टिक फोर सी बनाने के लिए ट्वेल्व फाइव के लिए कितनी फिफ्टीन सिक्स के लिए एटीन सेवन के लिए ट्वेंटी वन मैचस्टिक आठ अगर लगातार सी बनाना है तो उसके लिए ट्वेंटी फोर मैचिस्टिक चाहिए पड़ेंगे एंड सो ऑन इसी तरीके से आप आगे का आंसर फाइंड कर सकते हो पर ये टेबल कैसे बनाई होगी उन लोगों ने सी बनाकर आठ सी बनाए होंगे फिर काउंट करी होंगे कितनी मैचस्टिक यूज हुई फिर यहाँ लिखा होगा ट्वेंटी फोर पर अगर इसी में मैं आपको बोलूं कि हंड्रेड सी बनाने हैं तो क्या अब आप इस तरीके से हंड्रेड सी बनाओगे है ना पहले तो हंड्रेड सी बनाने में ही बहुत टाइम लगेगा उसके बाद मैच स्टिक काउंट करोगे कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन इस तरीके से पूरे हंड्रेड जब तक सी बन जाएंगे उनकी मैच स्टिक काउंट करोगे तब फिर जो भी स्टिक होंगी उसका आंसर यहां लिखोगे कि हंड्रेड सी बनाने के लिए इतनी मैच स्टिक्स चाहिए बहुत लेंदी काम हो गया ये तो हमारा है ना मतलब बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गई ये तो फिर क्या करें देखो कुछ रूल चाहिए फिर हमको कैन यू the entries लेफ्ट ब्लैंक इन द टेबल क्या आप टेबल में बची हुई एंट्रीज को फिल कर सकते हो तो हाँ अपन कर सकते हैं वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है एट के बाद अगर नाइन हमें सी चाहिए तो कितने हमें चाहिए पड़ेंगे मैचस्टिक टेन सी के लिए कितने चाहिए इलेवेन् सी के लिए कितने चाहिए ये हमको कैसे पता चलेगा अगर हमें एक रूल दिखे कि हमेशा थ्री टाइम हो रहा है वन इंटू थ्री थ्री टू इंटू थ्री सिक्स थ्री इंटू थ्री नाइन फोर इंटू थ्री ट्वेल्व फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन सिक्स इंटू थ्री एटीन सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन एट इंटू थ्री ट्वेंटी फोर तो यहाँ क्या होगा नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन आएगा यहाँ टेन इंटू थ्री थर्टी आएगा यहाँ एलेवेन इंटू थ्री थर्टी थ्री आएगा यानी कि थर्टी थ्री मैचिस्टिक्स यहाँ यूज़ होने वाली हैं अगर इलेवन सी बनेंगे थर्टी मैचस्टिक्स चाहिए अगर टेन सी बनाना है ट्वेंटी सेवन मैचस्टिक्स चाहिए अगर आपको नाइन बार सी का शेप बनाना है एक के बाद एक तो समझ में आया कि मैंने इतने जल्दी बिना सी बनाए कैसे फाइंड किया रूल से कि हमेशा जितने भी सी फॉर्म हो रहे हैं उसका थ्री टाइम्स करना है आपको तो अगर मैं नंबर ऑफ सी फॉर्म को क्या मान लूँ इसको मान लूँ एन के बराबर तो ये क्या हो जाएगा थ्री एन ये एन के बराबर मान लूं तो ये कितना हो जाएगा नंबर ऑफ सी फॉर्म एन की वैल्यू यहाँ वन है तो ये थ्री एन की वजह से थ्री इंटू वन यहाँ थ्री एन की वजह से ये क्या हो गया थ्री इंटू टू थ्री एन थ्री इंटू थ्री यानी कि नंबर ऑफ मैच स्टिक्स काय के बराबर आ रहे हैं थ्री एन के बराबर यहाँ एन की वैल्यू वन है यहाँ एन की वैल्यू टू है यहाँ एन की वैल्यू थ्री है है ना इस तरीके से मैं आपका आगे का प्रोसेस फाइंड कर पाई अगर नहीं आता मुझे ये रूल तो मुझे क्या करना पड़ता आगे पहले नाइन सी बनाने पड़ते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन फिर इसमें काउंट करना पड़ता कि one, two, three, तीन फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन ट 25, 26, 27. टोटल 27 सेवन मैचिसक यूज़ हो रही है तब मैं लिख पाती और अभी रूल पता था तो जितने नंबर ऑफ सी हैं उसमें मल्टीप्लाई करो three का तो nine three टाइम्स 27 सेवन इजिली आंसर मिल गया ना सी बनाना पड़ेगा ना काउंट करना पड़ेंगे तो यही यहाँ पे ये चीज बताई गई है आगे की सरिता कम अपना रूल को रूल समझ में आया नंबर ऑफ मैचिक्स जो हमको रिक्वयर होंगी कि कितनी की तिल्ली चाहिए हमें सी बनाने वो बराबर होंगी थ्री एन केज यूज नंबर ऑफ सीज एन की वैल्यू को क्या माना है सी का नंबर एक सी तो एन की वैल्यू वन दो सी बनना आ रहा है तो एन की वैल्यू टू तीन सी बन रहा है तो एन की वैल्यू थ्री तो नंबर ऑफ सीज मान लिया एन के बराबर सो एन इज़ अ वेरिएबल टेकिंग ऑन वैल्यूज वन टू थ्री फोर तो यहाँ पे जो एन है वो फिर से क्या हो गया एक वेरिएबल अगर एक सी बनेगा तो एन की वैल्यू वन होगी दो सी बनेंगे तो एन की वैल्यू टू होगी तीन सी बनेंगे तो एन की वैल्यू थ्री होगी इसी तरीके से कितने बहुत सारे हंड्रेड सी बनेंगे तो एन की वैल्यू क्या होगी हंड्रेड होगी दैट मीन्स एन की वैल्यू नंबर ऑफ सीज क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं बार बार चेंज हो रहे हैं कभी वो वन है कभी हंड्रेड है कभी थाउजेंड है कभी वन लैक है डिपेंड करता है जितने सी बनना है वो वैल्यू होगी एन की तो एन यानी कि चेंज हो रहा है बार बार फिक्स वैल्यू नहीं है इसका क्या मतलब है इसका यही मतलब है कि एन की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो एन को हम क्या बोलेंगे एक वेरिएबल बोलेंगे डू यू एग्री विद सरिता क्या आपको भी यही मानना है आ, आप एग्री कर रहे हो सरिता के साथ कि यस ऐसा ही होगा हाँ हम एग्री करते हैं रिमेंबर थ्री एन इज सेम एज थ्री इन टू एन हाँ ये याद रखो कि थ्री एन का मतलब क्या है थ्री मल्टीप्लाइड बाय एन पहले भी बताया है मैंने कि अगर कोई दो चीज लिखी है उनके बीच कोई भी साइन नहीं है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई क्लियर सो so, ये हो गया आपका कि यहाँ पे एक और रूल हमको क्या हुआ समझ में आया इस रूल से हमें और चीजें क्या है पता चलेंगी अब अभी सी वाला पैटर्न देखा उसमें थ्री एंड रूल लगा अब एक और पैटर्न बनाते हैं मतलब अमीना और सरिता को तो अब बिल्कुल मजा आने लगा है लगता है मैजिस्टिक पैटर्न बनाने में तभी अब वो एक और मैजिस्टिक पैटर्न बना रही है नेक्स्ट अमीना एंड सरिता विश टू मेक अ पैटर्न ऑफ एफ अब वो कौन सा पैटर्न बना रही है एफ जो आपका अल्फाबेट एफ होता है उसको बना रही है वो अब एफ को बनाने के लिए कितना चाहिए स्टिक देखो वन टू थ्री फोर यानी कि चार स्टिक यूज करके वो एक एफ का शेप बना रही हैं। सो देखिए जरा दे मेक वन एफ यूजिंग फोर स्टिक एज शोन इन फिगर ए इसमें बताया गया है ए फिगर में कि वो एक एफ शेप कैसे बना रही हैं चार मैचस्टिक से ये एक मैचस्टिक ये दो ये तीन और ये चार एस तो एक एफ बनाने के लिए फोर मैचस्टिक यूज हुई ठीक एक एफ बनाने के लिए फोर मैचस्टिक यूज हुई अब ये दो एफ बनाए दो एफ बनाए कितनी मैचस्टिक यूज हुई देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दो एफ बनाने के लिए आठ मैच स्टिक यूज हुई यहाँ देखो तीन एफ बने हैं तीन एफ बनाने के लिए कितनी यूज हुई वन यहाँ से यहाँ तक टू फिर नीचे एक और थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवेन ट्वेल्व टोटल तीन मैच एफ बनाने के लिए ट्वेल्व मैच स्टिक यूज हुई तो अगर चार एफ बनाने के लिए कितनी मैजेस्टिक यूज हो रही है मुझे पता करना है तो मैं कैसे पता करूं बनाऊं काउंट करूं नहीं हम तो स्मार्ट बच्चे हैं हम कोई रूल सोचेंगे तो रूल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि क्या रूल वर्क कर रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा है अगर इसको मैं एन मानूँ कि नंबर ऑफ एफ कितने एफ बन रहे हैं वो एन के बराबर मान लो एक एफ यानी एन की वैल्यू वन दो एफ यानी एन की वैल्यू टू तीन एफ यानी एन की वैल्यू थ्री तो ये वन का मल्टीप्लाई मैं काय में कि फोर आए फोर में यानी कि ये क्या हो गया फोर एन के बराबर हो गया यानी कि जितने एफ बन रहे हैं उसमें फोर का मल्टीप्लाई कर दो थ्री इंटू फोर कितना मिला ट्वेल्व टू इंटू फोर कितना मिला एट वन इंटू फोर कितना मिला फोर दैट मीन्स यहां का रूल क्या होगा यहां का रूल होगा कि नंबर ऑफ एफ फॉर्म या नंबर ऑफ मैचिक लग रही है वो वैल्यू फोर एन से मिलेगी जहां N क्या है number of F form. तो अगर को जहाँ बनाने हैं तो चार F बनाने के लिए एन की वैल्यू फोर तो कितनी यूज होंगी नंबर ऑफ मैचस्टिक फोर एन से मिलेंगी दीन्स फोर इन टू फोर दैट इज सिक्सटीन मैच यूज होंगी अगर मुझे क्या करना है चार यहाँ पे n की वैल्यू होगा फोर चाहिए फोर एफ बनाने देखे सही है कि नहीं अपन बना के देख लेते हैं चार एफ बनाने में तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आइए मेरे साथ वन टू थ्री फोर तो ये एक एफ बना फाइव सिक्स सेवन एट ये दो एफ बने नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ये तीन एफ बने थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ये चार एफ बन गए दैट मीनस हमारा रूल बिल्कुल सही है कि अगर हम चार एफ की डिजाइन बना रहे हैं तो उसमें मेरे को टोटल मैच स्टिक यूज हो रही हैं सो फोर एंड रूल हो गया यहाँ पर अप्लाई तो आपने देखा कैसे अलग अलग शेप पे हम अलग अलग रूल बना के आगे की प्रोसेस को फाइनलाइज कर सकते हैं तो अगर मुझसे कोई कहता है कि मेरे को हंड्रेड एफ बनाने हैं तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हंड्रेड इस तरीके से कितने एफ बनाने हैं उनको इस तरीके से 100 तो आप बिना 100 एफ बनाए ये बता सकते हो कि उनको कितनी मैचेस्टिक चाहिए कैसे नंबर ऑफ मैचेस्टिक यहां 4n के बराबर होगी एक कैस बनाने के लिए जितनी मैचेस्टिक यूज हो रही हैं चार उसका मल्टीप्लाई n से करो n क्या है जितने एफ बनाने हैं उससे तो इससे हमें मिलेगा कि कितनी मैचेस्टिक चाहिए 100 एफ बनाने हैं तो 100 4 400 यानी 400 मैच स्टिक हमारी यूज होनी है क्लियर हुई कहानी यहाँ तक अपनी आगे देखो क्या लिखा हुआ है कैन यू नाउ राइट द रूल फॉर मेकिंग पैटर्न्स ऑफ एफ तो क्या आप रूल बता सकते हो बिल्कुल 4n रूल है नंबर ऑफ मैच स्टिक के बराबर है 4n के बराबर जहां n क्या है नंबर ऑफ एफ

और ट्रायंगल बन सकता है तीन मैचस्टिक से स्क्वायर बन सकता है चार मैचस्टिक से इस तरीके से बहुत सारे शेप बन सकते हैं और इनसे हम पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं चूज एनी फाइव एंड राइट द रूल फॉर मेकिंग मैचस्टिक पैटर्न विद दैम तो अब इनमें से हमको कोई पांच चीजें चूज करके जैसे कि ये तो चार यही हो गई एक आध और ले लो फिर इनका पैटर्न बना के इनके लिए हमको क्या करना है रूल लिखना है तो ये हमारा क्या है टास्क है इसके आगे क्या दिया हुआ है वी हैव यूज द लेटर एन टू शो अभी तक हमने हर केस में जब हमने एल बनाया था पहले तब फिर हमने सी बनाया फिर अभी एफ बनाया हर बार हमने नंबर ऑफ सीज या नंबर ऑफ एफ्स को क्या लिया है एन के बराबर क्योंकि वही नंबर चेंज हो रहा है तो एन हमेशा क्या आया वेरिएबल आया राजू आस्क अब राजू आया उसने पूछा वाई नॉट एम यानी कि वो कह रहा है एन ही क्यों लिया तीनों बार एम क्यों नहीं लिया देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट एन एनी लेटर कैन बी यूज यानी कि एन के बारे में कोई स्पेशल चीज नहीं है आप एन की जगह एम भी ले सकते हो पी क्यू आर एस टी जो लेना है वो ले सकते हो बस हमें कोई एक ऐसा लेटर चाहिए जो जिसको हम वेरिएबल कह पाएंगे क्लियर सो वन में यूज एनी लेटर एज एम एल पी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा टू शो अ वेरिएबल आप कोई भी लेटर ले सकते हो एम भी ले सकते हो एल बी पी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो टाइप को शो करने किसी भी वेरिएबल को शो करने रिमेंबर अ वेरिएबल इज़ अ नंबर विच डज नॉट हैव अ फिक्स वैल्यू बस इतना याद रखो कि वेरिएबल एक ऐसा नंबर है जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती फॉर एग्जाम्पल द नंबर फाइव और द नंबर हंड्रेड और एनी अदर गिवन नंबर इज़ नॉट अ वेरिएबल बोल रहे हैं कि जो फाइव नंबर है हंड्रेड नंबर है है ना ये सब क्या है ये फिक्स है पांच ऑरेंज बोलो तो वो पांच ऑरेंज उठा के दे देंगे दे दे आपको पांच बनाना बोलो तो पांच बनानाज उठा के दे देंगे दे. ऐसा नहीं होगा कि वो छः दे दें क्योंकि फाइव की वैल्यू फिक्स है आप फाइव बोल रहे हो तो पता है वन टू थ्री फोर फाइव ही है उसका मतलब हंड्रेड बोल रहे हो यानी उसका मतलब हंड्रेड ही है चेंज नहीं होगी वैल्यू उसकी तो इनको हम वेरिएबल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो फिक्स है पांच का मतलब पांच कल को पांच का मतलब छः तो हो नहीं जाएगा इसीलिए दे हैव फिक्स वैल्यू सिमिलरली द नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ हैज़ वैल्यू दैट इज है इसी तरीके से कोई कहे कि जो ट्राइंगल के एंगल्स होते हैं वो वेरिएबल हैं क्या नहीं उनका नंबर वेरिएबल नहीं है तीन एंगल होते हैं में एक है, एक है, एक, है, एक है। तो तीन ही, तो हो, हो, उसमें टोटल तीन रहेंगे तो वो भी फिक्स है चेंज नहीं होगा तो वो भी वेरिएबल नहीं है नंबर ऑफ अ कोर्डिलेट्रल फोर इज फिक्स्ड अब कोई भी एक है, उसका नंबर फिक्स रहेगा कोडिलेटरल क्या होता है चार साइड से बनने वाला फिगर उसमें स्क्वायर, रेक्टैंगल ये सब आते हैं इनके कॉर्नर कितने होते हैं इनके वन टू थ्री फोर टोटल चार कॉर्नर होते हैं कभी भी आप चार साइड का फिगर बनाओ हमेशा आपको चार कॉर्नर ही मिलेंगे तो दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉर्नर्स जो होंगे कॉर्डिलेटरल के वो हमेशा फिक्स हैं चार तो वो भी वेरिएबल नहीं है

चार एल फॉर्म करना है एन की वैल्यू फोर है तो इस तरीके से एन की वैल्यू चेंज हो रही थी वो वेरिएबल था बाकी यहाँ जो चीज़ें बताएं कि फाइव हो गया हंड्रेड हो गया कॉर्नर ऑफ कॉर्डिलेटरल हो गए नंबर ऑफ़ एंगल्स इन ट्राइंगल हो गए ये सब फिक्स चीज़ें हैं इनको वेरिएबल नहीं कहेंगे तो ये हमने पढ़ा कुछ और चीज़ें किसके बारे में वेरिएबल्स के बारे में अब आगे हमें जो देखना है मोर एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल देखना है यानी कि अभी तक हमने सिर्फ पैटर्न में वेरिएबल्स देखे हैं है ना अब और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वेरिएबल्स के ये हमको पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्या होगा अभी तक नहीं तो फिर हमारी वहीं तक नॉलेज है कि पैटर्न बनाओगे तो उसमें नंबर ऑफ जितने भी पैटर्न बनाने हैं उसको एन बोल के एम बोल के वेरिएबल आप बता सकते हो पर ऐसा नहीं है लाइफ में बहुत सारी जगह वेरिएबल्स का यूज़ होता है अब वो कहाँ कहाँ है ये हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में मोर एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स से सो नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक पढ़ेंगे टिल देन यहाँ तक आप सारी चीज़ें कंप्लीट रखना रिवाइज करते रहना कीप स्टडिंग थैंक यू सो मच बाय